अगस्त 1947, मद्रास प्रेसिडेंसी, तमिलनाडु। विशिष्ट लोगों का एक समूह अपने जीवन काल की एक ऐतिहासिक यात्रा की तैयारी कर रहा था। उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया गया था। एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को विधि विधान के साथ पूर्ण करने का कार्य सौंपा गया था। किस दिशा में कूच कर रहे थे ये लोग? दिल्ली। भारत अपनी स्वतंत्रता के समीप था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति की बेला थी। स्वराज के लिए संघर्ष में हजारों गिरफ्तार हुए और मारे गए, और दशकों बाद राष्ट्र अपनी लक्ष्य के समीप था। वो लक्ष्य था स्वाधीनता, स्वतंत्रता। अब अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, भारतीयों को उनका स्वराज्य सौंपने का कार्य। परंतु उनके सामने एक सवाल था, स्वराज्य को किस प्रकार सौंपा जाए? ऐसे में हाथ मिलाने की रस्म शायद ही काम आए। तो इस गौरवशाली क्षण के प्रतीक के रूप में कौन सी रस्म अपनाई जाए? उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना ये सवाल रखा। ये एक उचित सवाल था जिसके बारे में विचार विमर्श की आवश्यकता थी। नेहरू जी ने ये प्रश्न जाने माने स्वतंत्रता सेनानी श्री सी राजगोपालाचारी के सामने रखा, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। वे तमिलनाडु से थे। नेहरू राजा जी की विद्वता और भारतीय परंपराओं और सभ्यताओं पर उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। राजा जी को इसका समाधान भारत के गौरवशाली अतीत में मिला। तमिलनाडु के चोला साम्राज्य में, जो भारत के प्राचीनतम और दीर्घकाल तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक था, एक चोला सम्राट से दूसरे सम्राट को सत्ता का हस्तांतरण नीति परायणता के प्रतीक अर्थात सेंगोल सौंप कर किया जाता था। भगवान शिव के आशीर्वाद का आवाहन करते हुए उस समय के महंत द्वारा सेंगोल को आशीष प्राप्त होता था, क्योंकि चोला शिव के प्रबल भक्त थे। उनके द्वारा स्थापित हजारों वर्ष पुराने मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है। राजा जी ने इसी परंपरा और समारोह के आयोजन की सलाह दी, जिसे नेहरू जी ने स्वीकार किया। राजा जी ने बिना समय गवाए इस समारोह के लिए प्रमुख धार्मिक मठ या आश्रम तिरुवावडुरई आदिनम से संपर्क किया, जिसे 5 सदियों पहले स्थापित किया गया था और ये तब से चोला भूमि के केंद्र में स्थित है और आज तक कार्यरत है। तत्कालीन मठ प्रमुख 20वें गुरु महासन्निदानम श्रील श्री अम्बलवाणा देसिका स्वामी ने अपनी अस्वस्थता के बाद भी इस कार्य को स्वीकार किया। उन्होंने सेंगोल बनाने का दायित्व मद्रास के प्रसिद्ध स्वर्णकार वुमड़ी बंगारू को सौंपा। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान थे, जो कि शक्ति, सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। सेंगोल बनाने के समय को याद करते हुए 96 वर्षीय श्री वुमड़ी एतिराजुलु कहते हैं, आदिनम किसी की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्माण का न्योता लेकर आए थे। उन्होंने हमें इसके चित्र दिखाए। यह एक गोल लंबाकार वस्तु थी, जिसे बिल्कुल वैसे ही बनाना था। यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा था, इसलिए उच्च गुणवत्ता आवश्यक थी। हमें इसके निर्माण का आदेश मिला। यह चांदी से बना था, जिस पर सोने की परत थी। आदिनम के सानिध्य में इस निर्माण से जुड़कर मैं बहुत ही प्रसन्न था। स्वतंत्रता सबके लिए गौरवशाली क्षण था, पर आदिनम द्वारा हमें सेंगोल निर्माण का दायित्व सौंपने से उस क्षण का महत्व बढ़ गया था। परम पावन मठ प्रमुख ने उप प्रमुख श्री लश्री कुमारस्वामी तंबिरान, आदिनम के ओदुवार विशेष गायक माणिकम और नादस्वर विद्वान टीएन राजरत्नम पिल्ले को आयोजन संपन्न कराने का दायित्व सौंपा। ये दल एक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचा। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को श्री लश्री कुमारस्वामी तंबिरान ने रीतिनुसार सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन को सुपुर्द किया।
और लॉर्ड माउंटबेटन से उसे पुनः स्वीकार किया। तत्पश्चात सेंगोल पर पवित्र जल छिड़का गया। शोभा यात्रा के रूप में इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ले जाया गया। इस अवसर पर ओदुवार ने तमिल संत तिरुज्ञान संबंदर द्वारा रचित कोलर पदिगम से श्लोकों का पठन किया। महंत ने नेहरू जी को पीतांबर पहनाते हुए उन्हें रीतिनुसार सेंगोल सौंपा। अडियारगल वाणिल अरसाड़वार आणई नमते, अर्थात ये हमारा आदेश है कि ईश्वर के अनुयायी राजा स्वर्ग के समान शासन करेंगे। इस वाक्य से श्लोक का समापन हुआ। इस प्रकार 1000 वर्ष पूर्व की सभ्यतागत प्रथा के अनुसार दक्षिण और उत्तर के असाधारण एकीकरण द्वारा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हुए शासन का हस्तांतरण हुआ। तत्पश्चात नेहरू जी ने श्री राजेंद्र प्रसाद सहित कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल को स्वीकार किया। आगे चलकर श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख व प्रकाशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किया गया। 25 अगस्त 1947 की टाइम पत्रिका ने भी इसे प्रकाशित किया। हस्तांतरण की प्रक्रिया के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अपना विश्वविख्यात भाषण राष्ट्र के नाम संबोधित किया।